गौहर के घर पे गौहर के फादर और उसकी मदर से मिलने गए थे, उनको सांत्वना देने गए थे कि पूरी पार्टी आपके साथ में है। और वहाँ से लौटते समय पुलवामा के पास में अचानक जो है फायरिंग हुई, उधर जंगल की तरफ से गोलियाँ आई। बाहर मैं देख रहा था, अंदर से सीधे गोली शीशे पे एकदम हेडशॉट जैसे लेकर के मारी उस जगह हुई। उसके बाद सिक्योरिटी ने तुरंत गाड़ी को तेज़ी से भगाया। देख रहा था ना, तो पत्थर नहीं था, कोई झाड़ी के पीछे से जो है, क्योंकि पेड़ थे, जंगल टाइप का था, जंगल हो या बाग हो, है ना, तो फायरिंग की आवाज सुनाई थी। हाँ, नहीं, गाड़ी तो बंद थी, एकदम चटाचट से आवाजें आई, चट 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 करके से आवाज आई। हाँ। तो वो सीधे एकदम शीशे पे आया, तो बोले उनकी फायरिंग फायरिंग करके, तो गाड़ी भगाई उसने, जो PSO था उसने देखा बाहर गाड़ी खड़ी हुई है, कि आपके कि आपने हमारे अध्यक्ष की हत्या कर दी या आज आपने मेरे ऊपर अटैक कर दिया, तो इससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं, ठीक है। और मैं सभी श्रीनगर के और कश्मीर के युवा मोर्चा के और यहाँ के जो शांति प्रिय लोग जो शांति चाहते हैं, उस भारत की अखंडता पर विश्वास रखते हैं, उन सबसे कहने वाला हूँ कि ये सब इनका फ्रस्ट्रेशन है। और इस फ्रस्ट्रेशन को, क्योंकि हमारी सरकार यहाँ पर है और अच्छा काम कर रही है, उन्हें लग रहा है कि लोग आतंकवादी बनना बंद कर रहे हैं और इस देश के साथ में जुड़ रहे हैं, जिसके कारण ये फ्रस्ट्रेशन में ये इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं।